ये क्या चीज़ है भैया? ये लिम्फ नोड है ना, सोलन लिम्फ नोड है, ये सूज गया है ना, इन्फ्लामेटरी लिम्फ नोड। कैसे होता है? इन्फेक्शन किसी वजह से इसके अंदर पहुंच गया तो ये सूज जाता है। असल में दो तीन वजह है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन है, और समटाइम्स जो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी बढ़ता है। लिम्फ नोड्स जो है एक्चुअली जो है ये फिल्टरेटिंग सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारा जो ब्लड है ना, ब्लड में दो हिस्से हैं, देखो सेलुलर पार्ट है और एक है लिक्विड पार्ट। तो लिक्विड पार्ट में अगर कभी कोई कंटामिनेशन हो गया, फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया या वायरस चला गया उसके अंदर ब्लड के अंदर, तो वो लिक्विड पार्ट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से जो है रिस करके इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आ जाते हैं, और वो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला जो फ्लूड है वो बाद में लिम्फैटिक डक्ट में जाते हैं, और लिम्फैटिक डक्ट से लिम्फ नोड में पहुँचते हैं। देखिए ये लिम्फ नोड है, हमारे बॉडी में न्यूमरस लिम्फ नोड होते हैं, बहुत सारे संख्या में होते हैं, है ना। तो जो रीजनल लिम्फ नोड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लाइक जो है सर्वाइकल रीजन में है, थोरैसिक रीजन में है, आर्मपिट है ना, एक्सिलरी रीजन में होता है, एब्डोमिनल रीजन में होता है, इंग्वाइनल रीजन में होता है, इलियक रीजन में होता है। फिर लिम्फ्स जितने हैं हमारे चार जो है आर्म्स वगैरह में भी लिम्फ नोड्स होते हैं। तो ये कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर है और वो इन्फेक्शन अगर ब्लड के अंदर चला गया, तो ब्लड से वो बैक्टीरिया या वायरस या पैरासाइट या फंगस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शियस ऑर्गेन है जो ह्यूमन बॉडी को ये करते हैं, डिजीज़ क्रिएट करते हैं, तो वो लिम्फ नोड्स में जा कर के उसको मारा जाता है। इसके अंदर जाली लगी हुई है, पहला काम है इसका फिल्ट्रेशन, ये फ़िल्टर कर लेता है जितने भी जम्स पार्टिकल हैं, जितनी भी गंदगी खून के अंदर, इसको फ़िल्टर कर लेता है। और फिल्टर करने के बाद इसके अंदर बहुत मात्रा में जो है लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, और लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को एकदम कूच कूच करके मारते हैं उसके अंदर, और मार करके ख़त्म कर देते हैं उसको। और मैक्रोफेजेस क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है वायरस होता है उसको खा जाता है, इंगल्फ कर जाता है, इसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। और उसके बाद फ्रेश ब्लड जो है निकल जाता है आपका, फ्रेश जो फ्लूड है, जो लिम्फैटिक जो फ्लूड है, वो बाद में जाके ब्लड में फिर से जाके मिल जाता है, इन्फीरियर वीना कावा से फिर चला जाता है हार्ट में, और फिर से सर्कुलेट होता रहता है। यही चीज़ चलती रहती है 24 आवर हमारे बॉडी के अंदर। इसके कितने टाइप्स होते हैं कुछ? देखिए लिम्फ नोड के जो है दो टाइप्स बेसिकली हम लोग मेडिकल लाइन में मानते हैं इसको, कि ट्यूबरकुलस नॉन ट्यूबरकुलस। और अगर हम मैलिग्नेंसी पे बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ मैलिग्नेंसी, नॉन मैलिग्नेंट मतलब बिनाइन और कैंसरस हो सकता है। कैंसरस लिम्फ नोड को लिम्फोमा बोलते हैं, लिम्फोमा है ना, और ऐसे जो लिम्फ नोड बढ़ गया इसको बोलते हैं लिम्फ एडिनोमा बोलेंगे इसको, लिम्फ एडिनोमा है ना, एडिनो मीन्स ग्लैंडुलर टाइप टिश्यू। और ट्यूबरकुलस और नॉन ट्यूबरकुलस भी होता है, टीबी कभी कभी टीबी का बैक्टीरिया इसके अंदर हो जाता है ना, ट्यूबरकुलस ग्लैंड टीबी जिसको बोलते हैं हम लोग। आप एकदम मोटा मोटी जो आम भाषा में समझ लीजिए कि लिम्फ नोड का क्या काम है, जैसे केंट है ना, वाटर प्योरीफायर, तो एक तरफ से गंदा पानी जाता है केंट के मशीन के अंदर और दूसरी तरफ से साफ पानी निकलता है, बिल्कुल सेम सिमिलर वर्क करता है लिम्फ नोड। एक तरफ से गंदा फ्लूड जाता है जिसके अंदर बैक्टीरिया वायरस या अदर जो है पैथोजेनिक एजेंट होते हैं, वो इसमें लगी हुई है जाली है ना, सीव लगा हुआ है, उस सीव में ये फंसते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो लिम्फोसाइट्स है उसको किल करती है, क्योंकि हमें पता है कि लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो WBC जो होती हैं वो किल करती हैं जम्स को। और उसके बाद फिर आगे वाली ट्यूब से एक तो एक है इसका जो है एफरेंट वेसल से अंदर जाती हैं, और एक होता है इफरेंट वेसल जो बाहर की तरफ निकलती है, और वो वेसल आगे जा करके वीना कावा में जा करके जुड़ जाती है। तो इस तरह से सर्कुलेशन चलता रहता है। कोई यहाँ पे जो है यहाँ पे इस लिम्फ नोड के अंदर इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से यहाँ पे कुछ है इसके अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया या वायरस है, दूसरा कॉजिटिव एजेंट है, वो इसको स्वेल कर दिया। अब इसका FNAC करके देखेंगे हम लोग, और ये सीरीन से हम लोग इसके अंदर
नीडल को पंचर करेंगे और मटेरियल एस्पायरेट करेंगे, इसी को बोलते हैं FNAC। ये है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी ऑफ लार्ज लिम्फ नोड, डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं, डेस्कटॉप पे और करीब जाओ। मिक्स्ड डेंसिटी वाला लिम्फ नोड है ये, देखिए इसके अंदर असल में लिम्फ नोड जो होते हैं ना वो बीन शेप होते हैं, किडनी शेप की तरह होते हैं, बीच में एक गड्ढा होता है जिसको हाइलम कहते हैं, जहाँ से वेसल्स जाती हैं, ब्लड सप्लाई होती है वहाँ से, और इसका दो कंपार्टमेंट होता है, एक इनर एक आउटर। और देखिए यहाँ पे मिक्स डेंसिटी है, इसमें फ्लूड कलेक्शन भी है, इन्फेक्टिव पस हो सकता है ना, तो ये हाइपरिकोइक कुछ टिश्यूज़ हैं और कुछ जो है वो विस्कस टाइप के फ्लोटिंग हैं, इंटरनल फ्लोटिंग इकोज आ रहा है, इन्फेक्टिव लिम्फ नोड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखना यह है कि ये कैंसरस है या नहीं, तो FNAC मैंने किया है तो FNAC के बाद उसमें देखा जाएगा। अगर FNAC में पॉपुलेशन लिम्फ नोड्स की ज़्यादा मिलती है 50% से ज़्यादा, तो इसको कहेंगे रिएक्टिव लिम्फ नोड, जो इशारा करता है कि ये कैंसर, ये जो है ट्यूबरकुलस लिम्फ नोड है। और इल डिफाइन है, रफ पस भरा हुआ इसके अंदर,